नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग खुद को सिंगल मानते हैं ये रीडिंग उनके लिए होगी। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप कैंसर हो यानी कैंसेरियन हो और खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से कैंसर हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है, इसको जनरल तरीके से लीजिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका पूरा ध्यान रखिएगा। देख लेते हैं, कैंसर ये रीडिंग होगी 13 से लेके 19 मई तक की। 13 से लेके 19 मई तक आप इस रीडिंग को खुद के साथ रेजोनेट करवा सकते हैं। देख लेते हैं कैंसर, पहले हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी, बाद में आपकी पास्ट की एनर्जी। देखेंगे अगर पास्ट से कोई आपकी लाइफ में आता है तो उनकी मतलब वो कैसे थे, उनकी एनर्जी कैसा था। नया कोई आ रहा है तो उनकी एनर्जी कैसी रहेगी, वो किस एनर्जी की होगी, और एंजल की गाइडेंस आपके लिए कि आपको इन दिनों क्या करना चाहिए। जो वक्त मैंने बताया 13 से लेकर 19 तारीख तक की, इस वक्त में आपको क्या करना चाहिए। तो लेट्स से देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि, देखेंगे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी। कैंसर यानी कर्क राशि, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी बहुत अच्छा। टेन ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है आप प्रेजेंट में एक कंप्लीट फैमिली को मैनिफेस्ट कर रहे हो। जो बंदा या बंदी आपके लाइफ से चले गए थे, क्योंकि आप सिंगल हो, ये रीडिंग सिंगल है। जो लोग खुद को सिंगल मानते हैं, कभी रिश्ते में थे लेकिन अभी रिश्ते में नहीं है, कभी उनके लाइफ में कोई था अभी नहीं है, तो आप खुद को सिंगल मानते हो। ये आप पर डिपेंड करता है, कभी आप कभी रिश्ते में थे ही नहीं, गए नहीं, तो भी आप सिंगल हुए, और अभी आपका डाइवोर्स हो गया है तो भी आप सिंगल हुए। जो भी हुआ आप खुद को सिंगल मानते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। तो जो भी आपकी अभी एनर्जी है, मुझे लगता है कोई आपको छोड़ के चला गया था या फिर आपने किसी को छोड़ दिया था, लेकिन अभी आप उन रिश्ते को दोबारा वापस पाने के बारे में शायद सोच रहे हो। इस रिश्ते को, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में चैरियट का कार्ड है, आप रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हो अपने परिवार के लिए। अभी आप सिंगल हो, खुद को सिंगल मानते भी हो, लेकिन आप उसी रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है कार्ड के अनुसार। कि जो बंदा या बंदी आपके लाइफ से चले गए थे, जिसकी वजह से आपके लाइफ में परेशानी भी आई होगी, लेकिन फिर भी आप उसी रिश्ते को दोबारा अपने लाइफ में लाना चाहते हो, मौका देना चाहते हो, एक परिवार बनाना चाहते हो उनके साथ। हो सकता है तब पैसों की कमी थी, पैसों की वजह से परेशानी थी रिश्ते में, तभी ये चले गए थे, लेकिन आज आपके पास बहुत पैसा है, स्टेबिलिटी है, तो आप दोबारा से अपने परिवार को चाहते हो, ऐसा लग रहा है। देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। एस ऑफ वांड्स बॉटम ऑफ द डेक में एंड द फूल का कार्ड। पास्ट में जो है, पास्ट में आप दोबारा से भी अपने लाइफ को शुरू करने के बारे में सोच रहे थे, जो आपकी उसकी जो झलक है प्रेजेंट में भी दिखाई दे रहा है। पास्ट में आप नया कुछ करना चाहते थे, दोबारा लाइफ को शुरू करना चाहते थे, साथ ही साथ आपको ये लग रहा था कि जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाए, और किसी भी चीज को, खास करके ये लव रीडिंग है सिंगल्स के, तो आप रिश्ते को दोबारा शुरू करने के बारे में सोच रहे थे, आप एक्शन लेना चाहते थे, जो रिश्ता रुक गया है, जो नहीं चल रहा है, या फिर अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहते थे, नई शुरुआत करना चाहते थे,
जीरो से शुरू करना चाहते थे, एक फिर से आप जीना चाहते थे, पास्ट में आपकी ऐसी एनर्जी थी कि अपने लाइफ को अपने तरीके से जिया जाए, इस एनर्जी में आप पास्ट में थे। साथ ही साथ आप नया कुछ करने के बारे में सोच रहे थे। बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ वांड्स के कार्ड आए हैं। एक्शन लेने के बारे में भी आप सोच रहे थे कि रिश्ते को लेके अगर आपने कुछ सोच के रखा था तो वो किया जाए। अभी हम देखेंगे कि क्या इन दिनों पास्ट से कोई आपकी लाइफ में आ सकता है। जो भी पर्सन है, जो भी बंदा या बंदी है, वो पास्ट में अगर था आपकी लाइफ में कोई, क्योंकि दिखाई तो ऐसा दे रहा है, जिसका भी एनर्जी आ रहा है, तो क्या आप चाहते हो कि पास्ट से वो बंदा आपकी लाइफ में दोबारा से चले आए? तो क्या पास्ट से कोई आ सकता है इन दिनों आपके लाइफ में? इट्स अ बिग यस, एम्प्रेस की कार्ड आया है। यहाँ पास से कोई आपके लाइफ में आ सकता है, कोई बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, जो आपके जब ये आपके लाइफ में थे या हैंडसम होंगे तब आपके लाइफ में सब कुछ था, समृद्धि था, एक कंप्लीट क्या बोले उसको, कंप्लीट फैमिली था, कंप्लीट कंप्लीशन था लाइफ में, खुशी थी, लोगों की अट्रैक्शन था आप लोगों के रिश्ते पर, आप पर। तो पास्ट में कोई ऐसी ब्यूटीफुल लेडी या कोई पर्सन जो है, जो अपने मेहनत से खुद को काबिल बनाया है, जिनकी ऊपर हर किसी की नजर रहता है, जो हमेशा लोगों के सामने रहता है, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट कोई, सेल्फ स्टेबल कोई बंदा या बंदी, जो अपने आप से मेहनत से जिसने खुद को खड़ा किया है, जिसने मेहनत से सब कुछ कमाया है, जिनकी साथ आपका जो रिश्ता था वो एक ग्रोथ का रिश्ता था, फर्टिलिटी की रिश्ता था। हो सकता है आपके बच्चे हैं इनके साथ, आप दोनों के बच्चे हैं, परिवार था। तो अगर ये सच में ऐसा कोई आपके साथ रिश्ते में था जिनका भी एनर्जी आ रहा है, तो हाँ वो आ सकता है, इन दिनों आपके लाइफ में आने की चांसेस है। देख लेते हैं, अगर आप नहीं किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो क्या नया कोई आपके लाइफ में आ सकता है इन दिनों? देख लेते हैं, अगर आप नए किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो, किसी की पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। देख लेते हैं नया किसी के आने के चांसेस है। नया किसी के आने के चांस है भी नहीं भी। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कुछ लोग जो नए को मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनके लिए नया आ सकता है, कुछ ऐसे स्पिरिचुअल कोई बंदा या बंदी आ सकता है, या फिर जिनके साथ आपका रिश्ता कुछ आगे गया, कुछ रुक गया है, वो दोबारा मतलब नए तरीके से आपके साथ आ सकता है। वरना नए आने के चांसेस मैं कहूंगी कि है भी नहीं भी। जितना आप जिस तरीके से रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हो उस तरीके से आपके लाइफ में कोई आएगा। अगर आप पुराने को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो पुराने आने के तो चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर आप नए को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो नया आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता। जो लोग नए को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उनके लिए नया पर्सन तो कोई आ सकता है, कोई स्पिरिचुअल पर्सन होगा जिनको शायद अभी रिश्ते में उतना इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन अगर ये आपके साथ रुक जाता है, ठहर जाता है ये रिश्ता, तो बाद में इनको इस रिश्ते में इंटरेस्ट हो सकता है। लेकिन फिलहाल अगर ये आ रहे हैं कोई नए पर्सन जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो उतना ज्यादा अगर आप इनसे प्यार के बारे में उम्मीद रखते हो तो उतना नहीं होगा, क्योंकि ये बंदा या बंदी जो भी होगी ये स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा ग्रोइंग पर्सन है।
अभी हम देखेंगे कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको इन दिनों क्या करना चाहिए, एंजल की तरफ से हम गाइडेंस लेंगे। 13 से लेकर 19 तारीख तक की जो वक्त है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आपको ध्यान लगाना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। अगर आपका कोई परेशानी है, मतलब अगर आप नए को मैनिफेस्ट कर रहे हो, नए रिश्ते को या पुराने रिश्ते को, या फिर जो बंदा आपके लाइफ से चला गया था दोबारा से अगर वो आपके लाइफ में आ रहा है, तो आपको उनके साथ रिश्ते को आगे ले जाना चाहिए या नहीं। कुछ बहुत सारे प्रश्न हर किसी के मन में आता है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दोबारा से मिल रहा है तो मुझे इसको ग्रैब करना चाहिए या नहीं। इस तरीके का जो भी परेशानी आपके मन में है, उसका आंसर आपको मेडिटेशन करने से मिलेगा, ध्यान लगाने से मिलेगा, अपने आप से आपको पूछना पड़ेगा और ईश्वर की चिंता करनी पड़ेगी। जो भी प्रॉब्लम है आपकी, जो भी परेशानी है, आप उनसे पूछिए, वो आपको आपका जवाब दे देगा। और जितना हो सके खुद से, अपने आप से अपने बारे में पूछिए कि आपका अंदर से वही आवाज आएगा, जो आपको करना सही लगे वो आप कर सकते हो और उसका आंसर आपको मेडिटेशन देगा कि आपको क्या करना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।